आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नवजीवन क्लासेस पे। तो दोस्तों आज आपको मैं बताऊंगा माध्य या माध्य। तो चलिए दोस्तों हम पढ़ते हैं अभी माध्य। तो दोस्तों माध्य में हमारे पास ये दो कॉलम बने हुए होंगे और हमें तीसरा कॉलम ज्ञात करना है। तो तीसरा कॉलम है एफ आई और एक्स आई। तो तीसरा कॉलम ज्ञात करने के लिए हमें 45 को इनसे इंटू करने होंगे। तो 45 × 1 45, 25 × 2 50 और 19 × 3 तो 57 और 8 × 4 तो 32 व 2 × 5 10 और 1 × 6 6। तो दोस्तों अभी हमें इसका योग कर लेना है। एफ आई का योग होगा 100 और एफ आई एक्स आई का योग होगा 200। तो चलिए दोस्तों हमें अभी माध्य का सूत्र लिख लेना है। तो माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो अभी हमें एफ आई एक्स आई कौन सी है हमारी, एफ आई 100 और एफ आई एक्स आई हो गए 200। तो बराबर 200 बटे 100। तो अभी इन्हें काटने पे हमारा आंसर प्राप्त होता है 2। तो हमारे माध्य का अभी आंसर होगा 2। चलिए दोस्तों अभी हमें माध्य ज्ञात करना होगा। तो माध्य ज्ञात करने में हमें ये दो कॉलम ज्ञात हो गए और ये एक अज्ञात। तो अज्ञात कॉलम को हमें ज्ञात करने के लिए पहले 2 के 2 ही उतार लेने होंगे, फिर 2 को 6 में प्लस करने होंगे तो 8 8। तो 8 को 10 में जोड़ने पे 18 और 18 को 17 में जोड़ने पे 35, 35 को 30 में जोड़ने पे 65 और 65 को 15 में जोड़ने पे 80 और 80 को 10 में जोड़ने पे 90 100। तो दोस्तों अभी हमें माध्य का सूत्र लिख लेना होगा। तो माध्य बराबर एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी बटे F1 × H। तो ये होगा दोस्तों माध्य का सूत्र। तो अभी हमें मान ज्ञात करने होंगे। मान ज्ञात करने से पहले हमें जो F1 की सबसे बड़ी पारमार्थक है उसके नीचे हमें अंडरलाइन करनी होगी। तो इसमें सबसे बड़ी पारमार्थक है 30 30। अभी हमें मान ज्ञात करने के लिए एल एल क्या होता है, एल होता है निम्न सीमा। तो इस अंडरलाइन में निम्न सीमा होगी 40, एल बराबर 40। फिर एन बटे 2, एन एन होता है इस सारणी का टोटल, टोटल कितना होगा 100। एन बटे 2 तो 100 बटे 2 होगा 50, तो एन का मान होगा 50। फिर सी सी होगी 65 के ऊपर वाले पारमार्थक जो वो है 35, सी बराबर 35। फिर F1 एवन होगी जो सबसे बड़ी पारमार्थक है, सबसे बड़ी पारमार्थक है हमारे पास 30, F1 30। और एच एच होगा मध्यमान जो 0 से 10 के बीच में मध्यमान होगा 10 10। तो अभी हमें मान इस प्रकार से दशा लेनी है, एल प्लस तो 40 प्लस 2 50 माइनस सी है हमारे पास 35, तो 35 बटे F1 F1 है हमारे पास 30 और × H H होगा 10। हमें इसे सरल करना होगा। सरल करने पे 50 में 35 को माइनस करने पे 15, तो 40 प्लस 15 बटे 30 × 10। तो ये 0 से इसे कट जाएगा, फिर 3 को 15 में भाग देने पे हो गए 40 प्लस 5, तो हमारा आंसर होगा 45। तो दोस्तों अभी ये 2 सवाल है जो आपको हल करके कमेंट बॉक्स में बताने हैं। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।